नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं करंट न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। गहलोत बनाम पायलट की रस्साकशी के बीच राज्य के सेवानिवृत्त सीनियर आईएएस आईपीएस अधिकारियों की चांदी हो रही है। एक तरफ विधायकों के लिए मंत्रिमंडल का विस्तार और वरिष्ठ नेताओं तथा कांग्रेस पदाधिकारियों के लिए राजनीतिक नियुक्तियों का इंतजार लंबा हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ सरकार ने एक दर्जन से ज्यादा आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को विभिन्न अहम पदों पर नियुक्तियां दे दी हैं। पिछले साल राजनीतिक संकट और कोरोना के चलते राजनीतिक नियुक्तियां नहीं हो पाई थी। इस साल विधानसभा उपचुनाव के तत्काल बाद नियुक्तियां देने की लॉलीपॉप दी गई है, लेकिन अब फिर कोरोना की दूसरी लहर के कहर के चलते एक दो नियुक्तियां करके बड़े पैमाने पर ही जाने वाली नियुक्तियों को फिलहाल टाल दिया है। यह अलग बात है कि कोरोना काल में ही आईएएस और आईपीएस अधिकारियों को ऐसी नियुक्तियां खूब मिल रही हैं। राज्य में 10-12 आईएएस और आईपीएस एवं अन्य सेवानिवृत्त अधिकारियों को कई महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्तियां दी चुकी हैं। पिछले सप्ताह ही सेवानिवृत्त आईएएस प्रदीप कुमार बोरड़ को राजस्थान स्टेट पावर फाइनेंस एंड फाइनेंशियल सर्विस कॉरपोरेशन लिमिटेड का स्वतंत्र निदेशक बनाया गया है। पूर्व में भूपेंद्र सिंह यादव को राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। वरिष्ठ आईपीएस यादव प्रदेश में डीजीपी रह चुके हैं। इसके अलावा आईपीएस हरि प्रसाद शर्मा को राज्य कर्मचारी चयन आयोग का चेयरमैन और आलोक त्रिपाठी को सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय का कुलपति बनाया गया है। वहीं मुख्य सचिव निरंजन आर्य की पत्नी संगीता आर्य को राजस्थान लोक सेवा आयोग में सदस्य बना दिया। यह बात दीगार है कि संगीता आर्य की नियुक्ति निरंजन आर्य के सीएम बनने से पहले कर दी गई थी। राज्य सरकार अगले माह अपना आधा कार्यक्रम पूरा कर लेगी। कांग्रेस विधायकों, पदाधिकारियों और वरिष्ठ नेताओं को राजनीतिक नियुक्तियां मिलने का इंतजार अभी पूरा नहीं हुआ है। उनको नियुक्तियां देने का मामला लगातार टलता जा रहा है। कांग्रेस के कुछ विधायक और नेता सेवानिवृत्त अधिकारियों को नियुक्तियां देने पर दबी जुबान से सवाल उठ रहे हैं। उनका कहना है कि कुछ ना कुछ अड़चन बताकर राजनीतिक नियुक्तियां लगातार टाली जा रही हैं। गहलोत खेमे के विधायकों के मुताबिक पायलट खेमे के विधायकों को कुछ लाभ न देने का नुकसान हमें भी उठाना पड़ सकता है। लंबे समय से आश्वासन ही मिल रहे हैं। कांग्रेस जनों के मुताबिक पिछले साल ही ऐसा हुआ। अब इस साल जनवरी और फरवरी में नियुक्तियां देने की बात हुई, फिर विधानसभा सत्र के बाद का आश्वासन मिला, फिर उपचुनाव आ गया और अब कोरोना चल रहा है। कांग्रेस जनों का कहना है कि आधा कार्यकाल बीतने को है लेकिन नियुक्तियां नहीं हुई, जो हुई भी हैं तो वे अधिकारियों की हुई हैं। क्या कांग्रेस में योग्य लोगों की कमी है? पार्टी में डॉक्टर, सीए के अलावा हर तरह के पेशेवर लोग हैं, वे संवैधानिक पदों पर बेहतर काम कर सकते हैं। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए करंट न्यूज़।